एमपी के सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। खबर है कि नकुल नाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। गुरुवार को छिंदवाड़ा में सीएम कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ और बेटे नकुल नाथ महिला सम्मेलन में पहुंचे। वहीं उन्होंने महिलाओं को संबोधित भी किया। छिंदवाड़ा के परिवार से एक फोन आया कि हमको नकुल नाथ जी सांसद के रूप में दे दीजिए। मैं थोड़ी चौंक गई थी, पर फिर मेरे को 40 साल पहले का वही किस्सा याद आया। अगर कमलनाथ जी 40 साल पहले यहाँ से चुनाव ना लड़ते तो इस जिले का पूरा नक्शा बदला होता। जो विकास के रास्ते पे ये क्षेत्र चला है वो ना चला होता। इसी चीज को नजर में रखते हुए मैंने नकुल को भी इस मैदान में आने दिया। आपको मालूम है मेरा आप सबके साथ एक पारिवारिक संबंध है, राजनीतिक संबंध बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देवकी का काम तो मैंने कर दिया, अब ये शोधा का काम आप सबके ऊपर है। और मैं उम्मीद करती हूँ जो प्यार आपने इस परिवार को दिया है अपने बच्चे को भी देंगे। नकुल आपका बच्चा है, इस क्षेत्र का बच्चा है। अब आप लोग जाने कैसे करना है कैसे नहीं करना, उसको जिताना है तो उसे काम करवाना है, यही मेरा आप सबसे है। सीएम कमलनाथ की संसदीय सीट पर अब नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे, बस इसकी आधिकारिक घोषणा होनी रह गई है। नकुल नाथ ने ग्रामीण इलाकों में चुनावी सभा करना भी शुरू कर दिया है। हमने जब उनसे बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, युवा होने के नाते मेरी प्राथमिकता युवाओं की तरफ है। आज सबसे बड़ी चुनौती जो युवा पीढ़ी को सामना करना है वो बेरोजगारी की है, और मैंने आश्वासन दिलाया, विश्वास दिलाया सारे युवा पीढ़ी को कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ूंगा। मैं कोई झूठे वायदे नहीं करना चाहता, कोई 2 करोड़ साल के रोजगार के वादे नहीं करना चाहता। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत तक ताकत और शक्ति के साथ युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ूंगा। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के नाम की आधिकारिक घोषणा अब जल्द ही हो सकती है। जनता नकुलनाथ को कितना पसंद करती है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।